नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारतीय नसाद बरतानवी शहर ऋषि सोंक के बरतानिया का वजीर आजम मुंतखब होने पर जहां भारत भर से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, वहीं भारत में मजहबी अकलियतों के साथ दबा रखे जाने वाले सलूक पर नई बहस छिड़ गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि हम सबको ये तस्लीम करना होगा कि बरतानिया के शहरियों ने दुनिया में एक बहुत ही नायाब काम करते हुए अकलियती बिरादरी एक रकम को अपना सबसे ताकतवर ओहदा दे दिया। हम ऋषि सोंक के लिए जश्न मनाते हैं, आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ऐसा भारत में हो सकता है? भारत के साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा है कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सोंक, अमरीका और बरतानिया के अवाम ने अपने मुल्क के गैर अक्सरियती शहरियों को गले लगाया और उन्हें हुकूमत में आला ओहदों पर मुंतखब किया। उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में भारत और अक्सरियती जमायतों को इससे सबक सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दरअसल कमला हैरिस और ऋषि सोंक दोनों भारतीय नसाद हैं और वो मसीही अक्सरियती ममालिक में आला ओहदों पर फायज हैं। उन्हें बरतानिया और अमरीका के अवाम ने मुंतखब किया है। ये सवाल उस वक्त उठाए जा रहे हैं जब 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले भारत में ना कोई मुसलमान वजीर है और ना ही सर इकतदार जमात भारतीय जनता पार्टी का कोई मुसलमान रुकन पार्लियामेंट है।